अब हम बात करने वाले हैं कोविड वैक्सीन्स अक्रॉस द ग्लोब प्राइस कंपैरिजन के साथ हम बात करेंगे, जिसमें फाइजर बायोन टेक है जो टोजी नेमरॉन के नाम से अपना वैक्सीन उतारा है मार्केट में, जिसका टाइप है mRNA टाइप है, और इसका जो प्राइस है लगभग है 1431 रुपीज़, और जो इसका स्टोरेज टेम्परेचर है -70 डिग्री सेल्सियस है, जो कि काफ़ी लो टेम्परेचर है, तो जनरली इसको भारत में तो स्टोर करने की बड़ी दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद मोडर्ना का है mRNA-1273, इस नाम से है, और इसका जो टाइप है वो mRNA है। इसकी जो प्राइस है वो है 2348 रुपीज़ से 2715 रुपीज़। इसका जो स्टोरेज कंडीशन है 228 डिग्री सेल्सियस है। तो अभी मैं जितने नीचे डिस्कस करूंगा उसका सबका जो स्टोरेज कंडीशन है वो 228 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद आता है सिनोफार्म, जिसमें BBIP कोर वी इसका नाम है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म है जो टाइप है, और इसकी जो प्राइस है लेस देन 5650 रुपीज़ होगी। स्टोरेज कंडीशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 228 डिग्री सेल्सियस। फिर है सिनोविक बायोटेक का कोरोनोवैक है, ये भी इनएक्टिवेटेड टाइप है, और इसकी प्राइस लगभग होगी 1027 रुपीज़। फिर है आपका नोवावैक्स का है, जो कभी भारत में लाने की कोशिश इसकी की जा रही है, जिसका नाम है स्पुटनिक वी, और ये वायरल वेक्टर है, और इसकी जो प्राइस है लेस देन 734 रुपीज़ है। स्टोरेज कंडीशन 228 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पुटनिक वी की बात चल रही है कि भारत में ये जल्द से जल्द आने वाला है, जो आउटसाइड से जो इंपोर्ट किया जाएगा उसमें इसका काफ़ी चर्चा है। फिर जॉनसन एंड जॉनसन का JNU-7843-6735 ये नाम है भाई, और वायरल वेक्टर है इसका जो टाइप है, और ये अप्रॉक्स 734 रुपीज़ का पड़ेगा 228 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ एक जो बात आई है, जो फाइजर बायोन है मोडर्ना है उनका जो वैक्सीन टाइप है वो mRNA टाइप है। तो अभी हमने डिफेंस सिस्टम सारा पढ़ रखा है कि किस तरीके से काम होता है, तो मैं अब ये समझता हूँ कि मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि mRNA टाइप है तो किस तरीके से ये इम्यून या इम्यूनिटी आपकी बॉडी में देगा। तो बेसिकली mRNA है तो इसमें डायरेक्ट पोटेंशियलिटी है क्या बनाने की, प्रोटीन बनाने की। जो mRNA बेस्ड वैक्सीन होते हैं ना उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से वर्क करेगा। इससे पहले एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो भारत में जो चल रहा है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है। तो आपके दो ही वैक्सीन आपको देखने को मिलेंगे, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड है, और भारत बायोटेक जो ICMR से बन रहा है वो है कोवोवैक्सीन। जो कोवोशील्ड वैक्सीन है वो CHAD0X1, याद रखिएगा, ये है आपका CHAD0X1, इसको और बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड AZD1222, ये विच इज द वीकेंड वर्जन ऑफ एडिनो वायरस। वीकेंड वर्जन ऑफ किसका है, याद रखिएगा, एडिनो वायरस का। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कोवोशील्ड के बारे में, जो को किसने बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, विच इज़ अ वीकेंड वर्जन ऑफ एडिनो वायरस दैट कॉजेज कॉमन कोल्ड इन चिंपैंजी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कोरोना वायरस है वो चिंपैंजी में भी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए किस तरीके से, यहाँ तो वैसे एडिनो वायरस को यूज़ किया रहा है, कॉमन कोल्ड कॉज करता है चिंपैंजी में। अ स्पाइक प्रोटीन ऑफ SARS-CoV-2 कोरोना वायरस इज इंसर्टेड इन टू द this virus when the vaccine is injected into the human body cell recognize spike protein। तो जो हमने कोरोना वायरस जो बता रहा था, जिसमें एस प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, ई प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन और डिफरेंट प्रोटीन्स जो मैंने डिस्कस किए थे, उस प्रोटीन को इस जो एडिनो वायरस है उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो ये जब आपकी बॉडी में जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देगा। ठीक है,
इसको जो एस्ट्राजिनका है, एस्ट्राजिनका ऑक्सफोर्ड COVID-19, इसने इस तरीके का काम किया है इस पे, जो एडिनो वायरस है उस पे कोविशील्ड के जो स्पाइक प्रोटीन है उनको इंसर्ट किया है, ठीक है। तो इस कारण ये इसके रॉ मटेरियल हैं, और यूएसए ने जो और इस तरीके से इसको बैन किया था कि रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो वो इस कारण इसके प्रोडक्शन में जो दिक्कत आ रही थी कोविशील्ड को, वो उसका रीज़न यही था। ये रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है, उसके बाद हम आगे सिंथेसिस करते हैं। इसकी जो एफिकेसी होती है कोविशील्ड की, वो लगभग आप देखेंगे कि 90% होती है जब आप इसके दोनों डोज लेते हैं, और फर्स्ट डोज के बाद आपको लगभग 70.4% एफिकेसी मिलेगी, और इसके टू डोजेस लेने हैं, ठीक है। और इसके बीच जो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच जो गैप होगा वो 2.5 से 3 मंथ्स का गैप होगा। स्टोरेज कंडीशन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भी है। इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसकी जो प्राइस है अभी जो है क्या बोलते हैं, प्रोवाइड द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी 400 पर डोज है, और जो आधार पूना वाला है जो इसके सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, उन्होंने इस 100 रुपीज़ फीस से कम करके इसकी प्राइस 300 पर डोज रखी है। सेंटर और प्राइवेट सेक्टर में ये जो है ये 150 और 600 रुपये में आपको मिलेगा कोवोशील्ड। वहीं बात करते हैं भारत बायोटेक के कोवो वैक्सीन की। ये है इनएक्टिवेटेड और डेड कोरोना वायरस, जो आप जो टाइप यूज़ कर रहे हैं वो इनएक्टिवेटेड और डेड कोरोना वायरस है। इम्यून द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस इज डिस्ट्रॉयड एंड टर्न इनटू द ट्रिगर्स इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन एंटर्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी। द बॉडी विल फाइट बैक इफ फेस्ड विद अ सिमिलर वायरस इन फ्यूचर। एक्सपर्ट से द सेल्फ लाइफ ऑफ दिस इम्यून सिस्टम कैन बी अप टू 1 ईयर, और इसका जो एफिशिएंसी है वो 78% है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कोवैक्सीन की इसकी एफिकेसी कितनी बताई जा रही है, 78%, टू डोज है, और फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच इंटरवल इसका कम है जो है 14 डेज। इसका 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके जो एमडी और जो सीईओ है जो इसको बोला जाता है वो डॉक्टर कृष्ण एल्ला है, ये आपको पता होना चाहिए। और द सेंटर विल हैव टू पे 150 रुपीज़ पर डोज इसके लिए, 150 रुपीज़, और स्टेट यूनियन टेरिटरीज विल बी प्रोवाइडेड कोवैक्सीन एट 600 पर डोज एंड प्राइवेट हॉस्पिटल 1200। 600 सेंटर और यूटी में मिलेगा, और 1200 रुपये आपको मिलेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ये है कोवैक्सीन का जो टाइप है वो आपका जो है इनएक्टिवेटेड डेड कोरोना वायरस है, ठीक है। ये आपका हो गया कंपैरिजन जो अदर कंट्रीज़ के वैक्सीन हैं उनसे भी, और भारत में जो अभी केवल 2 वैक्सीन हैं कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो है वो ICMR द्वारा बनाई गई है, भारत बायोटेक, और जो कोविशील्ड है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, पुणे बेस्ड जो है कंपनी उन्होंने बनाई है। तो मैं mRNA की बात कर रहा था, मोडर्ना ने जो टाइप है mRNA टाइप का है उसका, ठीक है। एक तो इनएक्टिवेटेड डायरेक्ट दिया गया था जो था, इनएक्टिवेटेड दिया गया था वो कौन सा था आपका, कोवैक्सीन था, और आपका जो चिपैंजी के साथ वाला था वो कोविशील्ड था, याद रखिएगा चिपैंजी वाला, ठीक है। अब जो टाइप आ रहा है वो mRNA है, इसमें स्पाइक प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक है। ये कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट करके बनाया गया mRNA। तो mRNA क्या है, डायरेक्ट इसमें कैपेबिलिटी है प्रोटीन बनाने की, क्या है, प्रोटीन बनाने की। mRNA के बारे में ऑलरेडी मैं जो डिस्कस किया हूँ वीडियो में वो आप देखिए और समझिए कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ mRNA डायरेक्ट। तो ये जब वैक्सीन आप अपने जो डेल्टॉइड मसल है उसमें इंजेक्ट करते हैं, जो अपर शोल्डर पार्ट होता है वहाँ, और वहाँ ही क्यों IM बोलते हैं इंट्रामस्कुलर, वहाँ ही क्यों इंजेक्ट करते हैं ये भी देखेंगे। जब ये वैक्सीन यहाँ इंजेक्ट किया जाता है तो एक तो ये डीपॉट बनाएगा, ठीक है,
अगर कोई एडवर्स रिएक्शन होती है तो वो उतना एक्सपांड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे वहाँ ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ से ये एब्जॉर्व करेंगी मसल्स से, और इस तरीके से ये ब्लड में आएगा, फिर सेल एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये सेल में इनकॉर्पोरेट होगा तो ये जो mRNA है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन में। और ये जो है, क्योंकि ये एक वायरल प्रोटीन है, वायरल प्रोटीन को सिंथेसाइज किया है, बट ये नॉन वर्वुलेंट है। नॉन वर्वुलेंट का मतलब होता है कि ये कोरोना वायरस जैसा, सार्स कोव टू जैसा कोई भी इस तरीके से रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में नहीं करेगा, इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो ये प्रोटीन जो मैंने APC बताया था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल द्वारा प्रेजेंट कर दी जाएगी, ये प्रोटीन इट सेल बॉडी में तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो इम्यून है, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो तुरंत इसके लिए क्या बना देंगे, एंटीबॉडीज़ भी बना देंगे, और इस तरीके से मेमोरी टी सेल्स भी बन के तैयार हो जाएगी, ताकि सेकेंड जब आप एक्चुअल इस कोरोना वायरस के जद में आएंगे, तब जो सेकेंड जो ट्रिगर रिस्पॉन्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और तुरंत आपकी बॉडी अच्छे से इम्यून भी हो जाएगी, और डिफेंस सिस्टम आपका डेवलप हो चुका होगा इस वायरस के लिए। तो ये मॉडर्ना का mRNA है, इसके बारे में भी काफ़ी समय से जो रिसर्चर हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। बाकी इसको हमने एक इमरजेंसी तौर पे लॉन्च कर दिया गया है, अपने आप में एक नया है ये, काफ़ी एफिशिएंट हो सकता है मेरे हिसाब से, जितनी मेरी नॉलेज है ये ज़्यादा कम हार्मफुल मुझे लग रहा है, कि जो इन बिटवीन बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट्स कुछ वैक्सीन से हो या ना हो। क्योंकि जो, जैसे कि आपने पोलियो वायरस देखा था, तो पोलियो में इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस है, IPV है, और आपका ओरल पोलियो वायरस है। ओरल पोलियो वायरस में आप इनएक्टिवेटेड फॉर्म, मतलब लाइव एटीन्यूएटेड जो फॉर्म होता है उसको आप इंजेक्ट करते हैं, इसमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। तो कई कई बार पोलियो वायरस के सिम्टम्स OPV में देखे गए हैं। तो मैं आपको डरा तो नहीं रहा हूँ, बट कुछ कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं, बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, सारे वैक्सीन सेफ़ हैं। क्योंकि कोई भी वैक्सीन आपकी जो है, जितने भी बन रहे हैं, आप इजीली साइंटिफिक कम्युनिटी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, नेताओं का मैं नहीं जानता। क्योंकि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जिस तरीके से हमने कोरोना वायरस देखा था, ठीक है, कोरोना वायरस जब एज कंप्लीट होता है तो उसके स्पाइक प्रोटीन होते हैं, RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस RNA, न्यूक्लियो कैस्पिड होता है, एनवलप होता है, मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जो HE डाइमर्स होते हैं, तो ये सारे जब मिल के कोरोना वायरस बनता है, और इनका कोई भी पार्ट आप यूज़ करते हैं तो वो एंटीजेनिक पार्ट कराता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में नहीं है, एज अ फॉरेन ट्रीट होगा। तो फॉरेन ट्रीट होने के कारण एज अ नॉन सेल्फ आइडेंटिफाई बॉडी करेगी इसे, क्योंकि ये कंप्लीट फॉर्म में है, नहीं है, तो वो ऐसा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने या तो स्पाइक प्रोटीन यूज़ किया है केवल, या इसका केवल RNA को यूज़ किया है, उसमें आपने इसको नॉन वर्वुलेंट पहले बनाया है, ठीक है, आपने मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज़ किया है। तो इस सारे तरीकों को यूज़ करते हुए आप वैक्सीन बनाते हैं, तो वैक्सीन टोटली सेफ है, आप इसको लगाइए, और इस कोरोना वायरस से बचने का अभी फ़िलहाल केवल यही एक लास्ट ऑप्शन है। जो ड्रग है 100% किसी भी वायरल इन्फेक्शन में ड्रग उतनी कारगर साबित नहीं होगी जितनी कारगर कोई वैक्सीन साबित हो सकती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।